सो हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोन है, रेडमी नोट 9 पावर। और ये फ़ोन गाइज बिल्कुल डेड कंडीशन के अंदर है, और बोर्ड की जो हालत है वो भी बिल्कुल ख़राब है गाइज। तो यहाँ पे देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे इसको चार्जिंग के अंदर लगाया, USB चार्जर के अंदर ये कोई भी जो एम्पियर वो कंज्यूम नहीं कर रहा। और PC के अंदर मैंने यहाँ पे इसको लगा के देखा तो PC के अंदर ये पोर्ट भी नहीं बना रहा, ठीक है। और जब इसको गाइज DC मशीन के अंदर लगा के पावर की को जब प्रेस कर रहे हैं, तो उसके बाद गाइज जो DC मशीन के अंदर जो रीडिंग है वो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। देखिए, कोई भी जो रीडिंग है वो DC मशीन के अंदर ये नहीं ले रहा है, और ना पोर्ट बना रहा है और ना USB चार्जर के अंदर कोई भी एम्पियर ले रहा है। हालांकि फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है गाइज, ना तो ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और ना मल्टीमीटर के अंदर कोई शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या रिपेयर करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आपको कैसे फ़ोन की रिपेयरिंग करनी चाहिए, ठीक है। आज की इस वीडियो से गाइज आपको काफ़ी अच्छा जो नॉलेज है वो मिलने वाला है। तो गाइज, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए गाइज, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो पतरे वतरे निकाल के रखें, CPU MMC पे हीट दिया गया है। और यहाँ पे ये फ़ोन जिसने मेरे पास सेंड किया है उनका कहना है कि इसके अंदर PMI और PM दोनों को इसके अंदर चेंज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी फ़ोन डेड कंडीशन के अंदर है, सेम कंडीशन के अंदर है। और ये 3 से 4 जो शॉप हैं उनसे रिटर्न हुआ है। देखिए गाइज, अगर मैं यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ तो फ़ोन के अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो आज हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे गाइज, तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या हमें चेक करना है, कैसे हमें इस फ़ोन को रिपेयर करना है। देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे फ़ोन को DC से कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले हम इसका जो VPH पावर है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए, 4.1 वोल्टेज है, वो यहाँ पे VPH पावर बन रहा है, यानी कि ये इसके अंदर जो PMI लगी हुई है वो ठीक है। अभी हम PM के पास जो वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं कि PM के पास वोल्टेज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक कर पा रहा हूँ गाइज, आप यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए 4.1 वोल्टेज यानी PM के अंदर जो वोल्टेज है वो इंटर कर रहा है। देखिए, यहाँ तक हमारी जो लाइन है वो ओके है। चलिए, अब हम इन कॉइल्स पे चेक कर लेते हैं, 6-7 जो कॉइल होते हैं इनके ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए गाइज, जितनी भी कॉइल लगी हुई हैं इन कॉइल के ऊपर किसी भी कॉइल के ऊपर कोई भी जो वोल्टेज है वो देखने को नहीं मिल रहा। देखिए गाइज, यानी VPS तो बन रहा है लेकिन PM से कोई भी जो आउटपुट है वो यहाँ पर नहीं निकल रहा, और फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी VPS बन रहा है लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं निकल रहा है। और उनका कहना है कि इसके अंदर PM और PMI दोनों को चेंज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये फ़ोन सेम कंडीशन के अंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे कि इसकी जो EMMC उसको निकालेंगे। ऐसी कंडीशन में CPU या EMMC से फॉल्ट रहता है, किसी ने इस पर हिट भी किया होगा। तो गाइज, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो EMMC है उसको निकालेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या कंडीशन रहती है। सेम कंडीशन रहती है तो आगे की जो प्रोसेसिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर गाइज हम क्या करते हैं, इसकी जो EMMC उसको निकाल लेते हैं और अच्छे से क्लीन करके उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि पावर निकलता है या फिर नहीं निकलता, पोर्ट हमारा बनेगा या फिर नहीं बनेगा, और जो DC मशीन है उसके अंदर एम्पियर कंज्यूम करेगा या फिर नहीं करेगा, क्या रहता है वो। तो गाइज हम जब EMMC को निकाल लेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। तो फटाफट से हम जो EMMC उसको गाइज निकाल लेते हैं, और उसके बाद गाइज हम क्या करते हैं कि जो EMMC है उसको निकालने के बाद हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि SMD मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, 857 DW+, हीट मैंने 350 रखा है, एयर मैंने 2 पे रखा है। तो चलिए फटाफट से जो EMMC है उसको निकाल के अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है। गाइज वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छा जो नॉलेज है वो आज के इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। तो अभी आप गाइज म्यूजिक को एंजॉय कीजिए।
सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो EMM से उसको हमने निकाल लिया है, अच्छे से क्लीन भी कर लिया है। तो चलिए फटाफट से हम इसको चेक करते हैं कि अभी इसकी क्या कंडीशन बन रही है। तो गाइज हम यहाँ पे देखिए, मैं एक बार इसके अंदर लगा देता हूँ और उसके बाद गाइज हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको। तो देखिए मैं यहाँ पे DC मशीन पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और अभी हम पावर की प्रेस करेंगे। तो अभी भी गाइज इसके अंदर सेम कंडीशन बना हुआ है, कोई भी जो एम्पियर है वो कंज्यूम नहीं कर रहा। पावर की प्रेस करने के बाद भी गाइज इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। देखिए मैं यहाँ पे पावर की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। और USB चार्जर के अंदर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए EMM से जब निकला होता है तो USB चार्जर के अंदर जब हमारा CPU ओके होगा तो कुछ एम्पियर है वो कंज्यूम करेगा, जैसे कि 0.10 या फिर 0.30-50 ऐसे करके कुछ एम्पियर है वो कंज्यूम करता है, लेकिन ये कुछ भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ और एक बार हम इसका जो वोल्टेज है उसको भी चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज कितना बन रहा है अभी। अगर सेम कंडीशन रही तो गाइज हमें इसको CPU है उसका निकाल इसका CPU निकालना पड़ेगा। तो एक बार मैं यहाँ पे कॉइल पे चेक कर रहा हूँ, PM से आउटपुट निकल रहा है क्या? कुछ भी आउटपुट अभी भी नहीं है, सेम कंडीशन के अंदर बना हुआ है गाइज फ़ोन। देखिए तो अभी गाइज हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो CPU उसको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद गाइज हम इसको अच्छे से रिवॉल करेंगे और उसके बाद हम इस फ़ोन के अंदर वापस CPU को लगाएंगे और उसके बाद गाइज हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ चेंज आता है या फिर नहीं आता। तो फटाफट से मैं आपको कैमरे की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और पूरी प्रोसेसिंग गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि CPU को कैसे निकालना है, आपको कैसे रिवॉल्व करना है और कैसे वापस उसको लगाना है। तो फटाफट से आप ये जो प्रोसेसिंग है इसको आप देखिएगा गाइज।
तो गाइज फाइनली हमने जो सीपीयू उसको रिबोल करके वापस लगा दिया है, और अभी हम चलते हैं इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या कंडीशन बन रही है। फटाफट से हम इसको डीसी में कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या कंडीशन है। सेम कंडीशन रहेगी तो हमें क्या काम करना होगा, और अगर कंडीशन में चेंज आया तो हमें क्या करना होगा। तो अभी थोड़ा बोर्ड एक बार हल्का थोड़ा गर्म है तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए गाइज फटाफट से हम इसको डीसी पे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम पावर की इसका प्रेस करके देखेंगे कि डीसी में क्या रीडिंग बन रही है। ठीक है, पहले 0-0 आ रहा था, कोई भी जो एम्पियर वो कंज्यूम नहीं कर रहा था पावर की प्रेस करने के बाद। अभी मैं यहाँ पे पावर की प्रेस कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा पावर की प्रेस किया और अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए डीसी की मशीन के अंदर रीडिंग देखिए गाइज 0.075 पे ये स्टक हुआ है, यानी यहाँ पे रीडिंग इसने लेना स्टार्ट कर दिया है और अभी हमारी ईएमएम से नहीं लगी है तो ये स्टक हो रहा है। ठीक है, यानी कि सीपीयू रिकॉल करने से इसकी जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे काफ़ी हद तक मतलब सोल्व हो गई है। तो चलिए अब फटाफट से गाइज हम इसकी जो ईएमएम से उसको रिबोल करते हैं और उसके बाद हम इसको बोर्ड के अंदर फिक्स करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो ऑन होता है या फिर ऑन नहीं होता। ठीक है, तो गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए गाइज मैं आपको कैमरे की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। चलिए गाइज हमने जो सीपीयू है और ईएमएम से दोनों को यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और चलिए अब हम इसको चेक करते हैं क्या रहता है इसके कंडीशन। देखिए गाइज यहाँ पे मैंने इसको डीसी से कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद पावर की प्रेस करके देखते हैं कि रीडिंग में क्या कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ, अभी गाइज डीसी मशीन के अंदर इसने रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि फ़ोन मेरा यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इसको बोर्ड के अंदर लगा के देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पावर की को प्रेस करके देखते हैं। देखिए गाइज अभी पावर की प्रेस किया, ठीक से हुआ नहीं। एक बार हम बैटरी को निकाल के डीसी मशीन भी इसको कनेक्ट करते हैं, बैटरी डिस्चार्ज भी हो सकती है। तो एक बार मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ, देखिए पावर की मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ,
यहाँ से ठीक से हुआ नहीं शायद। अभी देखिए मैंने यहाँ पे पावर की प्रेस किया, देखिए गाइज हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पे फ़ोन ऑन हो चुका है, रेडमी का यहाँ पे लोगो आ चुका है। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि गाइज ऐसे ही आने वाले जो वीडियो उनका नोटिफिकेशन गाइज आपको कंटिन्यू मिलता रहे। देखिए गाइज इसकी जो कंडीशन क्या बन रही थी, फ़ोन के अंदर कोई भी पोर्ट नहीं बना रहा था, कोई भी जो डीसी मशीन के अंदर है वो रीडिंग नहीं ले रहा था पावर की प्रेस करने के बाद भी, और कोई भी फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग भी नहीं थी। ठीक है, तो इसमें पीएमआई भी चेंज किया गया था, पीएमआई और पीएम दोनों को चेंज किया गया था, उसके बावजूद भी सेम कंडीशन बनी हुई थी। तो पहले हमने एमएमजी को निकाला और उसके बाद चेक किया तो सेम कंडीशन थी, उसके बाद हमने सीपीयू को निकाला, रिबॉल किया, वापस लगाया तो कंडीशन में चेंज आया, यानी हमारी जो डीसी के अंदर रीडिंग थी वो 0-0 था, वो यहाँ पे जो रीडिंग है वो डीसी के अंदर लेना स्टार्ट कर दिया, स्टक रीडिंग हो रही थी। तो उसके बाद हमने जो ईएमएमसी थी उसको रिबॉल किया, वापस लगाया और उसके बाद फ़ोन को ऑन किया, तो सक्सेसफुली हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पे रिकवर हो चुका है। तो गाइज इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी आने वाले जो अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगता है मिलता रहे। तो गाइज काफ़ी अच्छा नॉलेज है वो आपको इस चैनल से मिलने वाला है, तो फटाफट से गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और कमेंट में ये जरूर बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। गाइज आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको जो सॉल्यूशन है वो जरूर बताऊंगा। तो देखिए गाइज हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सेंसर दिक्कत कर रहा है, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए गाइज सेंसर यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे रिकवर हो चुका है गाइज। तो अभी देखिए इसके अंदर जो एयरफोन है वो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है गाइज, तो दो मिनट वेट करेंगे यहाँ पे।